तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और नई वीडियो में। यार आज वीडियो बनाने का मन तो नहीं था क्योंकि कहीं गया होता, एक तो टाइम नहीं लगा और दूसरी बात फिर आज मूड से ही कुछ ऐसा हो रखा था, कोई बात हो गई थी तो वीडियो बनाने का मन नहीं था, बट बनानी पड़गी। वजह इसकी आपको बताता हूँ। तो पहले आपको भाई लोगों से मिलाता हूँ। भाई बहुत दूर से भाई लोग मिलने आए मेरे को स्पेशल। यार मिलाते हैं पहले यार, फिर बताते हैं आपको। नमस्कार जी भाई साहब जी। तो भाई अपना नाम बताओ पहले। जी मेरा नाम है रूप किशोर। रूप किशोर। और आपका नाम जी? वेद प्रकाश जी। वेद प्रकाश जी, कहाँ से आए आप दोनों? मथुरा से आए। ओ भाई साहब, मथुरा। अच्छा अच्छा, नाम बता दो गांव का भाई। माधुरी कुंड का। माधुरी कुंड गांव से आए। लगभग कितने किलोमीटर हो गए यहाँ तक? लगभग ऐसा होगा करीब 300 मेरे आसपास। तो 300? हाँ 300 के आसपास होगा भैया, क्योंकि मैं बाइक से गया था ना, तब लगभग 270 के करीब पहले दिन निकाला, तो उसी के आसपास रहा था। तो भाई लोग इतनी दूर से मिलने हैं यार, बहुत अच्छा लगा। बट मैंने बोला भैया आप कॉल कर लेते, इतने स्ट्रगल करके इतनी दूर से आए हो। बाकी कोई ना, भाई लोग इतने प्यार से हैं तो हमारा भी बनता आदर सत्कार करना। तो फिलहाल मैं भाई लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि भाई आपको एड्रेस का कैसे पता चला, क्योंकि मैंने कहीं भी वीडियो में गांव का नाम नहीं बोला और फिर भी भाई लोग बिना कहीं पूछे हुए हमारे यहाँ तक पहुँच गए हैं। पूछते हैं फिलहाल भाई जी, आपको यहाँ का एड्रेस कैसे पता चला? पहले कहा था ना, आप बाइक रिपेयरिंग करवाने गए थे ना? हाँ हाँ, बाइक रिपेयर करवाने गए। हाँ हाँ, उस दिन तो उस पर एड्रेस लिखा हुआ था आपके गांव का नाम। अच्छा, नाम लिखा था? मैंने सोचा मोबाइल नंबर ही लिखा, गांव का नाम तो नहीं शायद लिखा था। लिखा हुआ था। तो वहां से देख के पहुंचे हैं। हाँ, उस पे देख के तो फिर आने वाले थे हम। सुबह कितने बजे चले? तो सुबह चले थे घर से, सुबह 5 बजे चले। ओ भाई, सुबह 5 बजे चले, फिर आप करनाल उतरे जाके ना? करनाल उतरे थे। करनाल से फिर आप पुंडरी आए? फिर वहाँ से। करनाल से पता किया पहले रास्ता कौन सा? नहीं, वो वीडियो के अनुसार चले। वीडियो के अनुसार जैसे वीडियो देखते थे हम। हाँ हाँ, अच्छा वो पहले की पता जब मैं गया, जाते हुए गया था। हाँ वाह जी वाह। इधर से तो रोड आपने वीडियो में देखा था, जो गुरुद्वारे के बगल में रोड जा रहा है वो। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, वाह जी। सामने जाके वहाँ से सामने वाला पेड़ देखा पूरा। अच्छा, अमरूद का पेड़ देखा? अमरूद का पेड़ देखा, ये वाला नया कर देखा। अच्छा अच्छा, समझ गए फिर। वाह जी वाह भाई, भाई बहुत अच्छा लगा भाई। तो यार सर जी बहुत अच्छा लगा यार भाई लोगों से मिलके, इतनी दूर यार मिलने आ गए यार। बाकी यार मेरे को एक चीज बुरा लगा यार, इतना स्ट्रगल करके आए मेरे से मिलने के लिए बस। मिलना तो पहले काफी देर पहले चाहते थे, पर अच्छा थे नहीं यहाँ पे। बाकी यार अगर इतना था तो मैं उसी रास्ते से आया था, तब मिल लेते ना। एड्रेस नहीं था? अच्छा, एड्रेस भी मिल गया। मोबाइल नंबर मेरा फेसबुक पे था पहले, बट मैंने अब डिलीट कर दिया यार, क्योंकि कॉल काफी ज्यादा आ रही थी ना, अगर रिप्लाई ना दें तो फिर अच्छा सा नहीं लगता, फिर सभी बुरा मान जाते हैं। तो फिर मैंने वो हाइड कर दिया यार, मजबूरी हो जाती। मिलना गिलना बातें चीतें हम भी करना चाहते हैं, बट यार नहीं हो पाती, इतनी कॉल आती है, इतने ज्यादा अपने मतलब यूट्यूब फैमिली काफी अच्छी हो चुकी है, और इतना प्यार मिलेगा इतना सोचा नहीं था जितना प्यार मिल रहा है भाई, बहुत अच्छा लगा। ठीक है भाई, बाकी फिलहाल भाई लोग अभी बैठते हैं, चाय पानी पीते, खाना वगैरह खा के फिर बातें चीतें करते हैं, फिर मिलते हैं आपको। ठीक है भाई, लो चाय पानी। तो दोस्तों अभी टाइम हो चुका जी लगभग शाम के 5 के करीब का, भाई लोग बोल रहे हमें वापस घर जाना है। घर तो नहीं, इनको लगभग फरीदाबाद तक जाना, इनको थोड़ा काम है। मैंने तो बोला यहीं रुक जाओ, खाना वगैरह खा के आराम से जाना, बट बोल रहे भाई हमें भी फरीदाबाद में काम है, तो आज की स्टे हमने वहीं करनी है। सुबह इनको जल्दी वहाँ पर काम है, नहीं तो अगर बोले यहाँ से सुबह चले तो हमें वहाँ पर काम नहीं हो जाएगा, भीड़ काफ़ी ज़्यादा होगी। फिर हमने वापस घर भी जाना है, आगरा मथुरा, मथुरा जाना है, तो इसलिए भाई लोग तो अभी फिलहाल जा रहे हैं। तो फिलहाल भाई लोगों को मैं यहाँ से ना बस में बिठा कर आऊँगा और सारा रास्ता बता के भी कैसे आप कुरुक्षेत्र से बाय ट्रेन चले जा सकते हो। ये करनाल की तरफ से ना रॉन्ग साइड थोड़ा है, इधर से थोड़ा लंबा पड़ गया कुरुक्षेत्र से, थोड़ा ये है ना भी यहाँ से नज़दीक सीधी बस मिल जाती है, तो इसलिए थोड़ा अभी इनको सही गाइड करके ना फिर जाने देते हैं। फिलहाल मैंने तो बोला रुक जा, बट भैया लोग रुक ही नहीं रहे। ठीक है भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल रुक जाते, मैं तो यही बोल रहा था, कुछ काम है ना कल में। अच्छा अच्छा, रुक जाते। हाँ इतनी दूर से मैं आए हैं यार इतनी। ठीक है भाई लोग, काफी अच्छा लगा। बाकी भाई लोग इतनी दूर से आए हैं तो ठीक है भाई, अभी फिलहाल छोड़ के आते हैं, फिर मिलते हैं। ठीक है भाई, चलो चुनू मुनू चला गए। नमस्ते।
फिलहाल 5:30 का टाइम हो चुका है और भैया लोग अभी बस आने वाली है और भाई लोगों को मैं कुरुक्षेत्र की तरफ बिठाने वाला। फिलहाल मैंने भाई लोग ना मैंने सोचा इनको भूख लगेगी रास्ते में तो मैंने बर्गर पैक करवा दिए, तो लो भाई लोग आराम से खाना जाके रास्ते में। और ठीक है आराम से जाना, कॉल कर देना पहुँचने के बाद। तो फिलहाल बस आने वाली है, 10-15 मिनट में आ जाएगी। तो लो जी भैया लोगों को बस में बिठा दिया, अभी आराम से कुरुक्षेत्र पहुंच जाएंगे, उसके बाद वहां से ट्रेन है इनकी 8 बजे के करीब और आराम से जल्दी फरीदाबाद पहुंच जाएंगे। फरीदाबाद इनका रूम है, वहां पर आराम से रहेंगे। तो ठीक है फिलहाल घर चलते हैं अभी। और ये इधर का गुरुद्वारा साहिब है और यह शाम का नज़ारा हमारे यहाँ के एरिया का। तो ठीक है दोस्तों 6:30 का टाइम हो चुका है, भैया लोगों को मैं आराम से वहां बस में बिठा के आ गया हूँ। बाकी मैंने तो बहुत ज्यादा बोला कि आप यहाँ पर रह जाओ, पर उनको मजबूरी थी इसलिए नहीं रुके। बाकी ठीक है मैंने नंबर उनका ले लिया, मैंने कहा भी पहुंच के कॉल कर देना, नहीं तो मैं कॉल करके पूछ लूंगा। बाकी सभी से एक ही प्रार्थना भाई, इतनी दूर से ना आया करो यार, मैं जब जिस एरिया में आऊंगा ना तब वहां मिल लिया करूंगा, तो फिलहाल इतना स्ट्रगल करके ना आया करो यार। बाकी मानते आप सभी का प्यार है बट क्या करें, मतलब फिर भी वो है ना, भी इतनी दूर से तंग होते यार, कम से कम 300 किलोमीटर से आया यार। बाकी ठीक है अच्छा भी लगता है। तो ठीक है आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, छोटी सी वीडियो थी फिलहाल, वैसे तो बनाई नहीं, कहीं गया होता काफी ज्यादा काम था तो भैया लोगों के लिए बुलाना पड़ा, अभी इतनी दूर से मिलने आए हैं तो वो भी सोच रहे थे, वो भी कह रहे थे कि हमारी वीडियो बनाओ थोड़ी सी, तो इसलिए बनानी पड़ी। तो ठीक है आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, गांव दिखाते हैं या कुरुक्षेत्र का दिन का नज़ारा दिखाते हैं, क्योंकि ज़्यादा क्राउड हो चुका वहां पर और काफ़ी देखने लायक हो चुकी गीता जयंती। ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।